महत्वपूर्ण नहीं या नहीं है कि हमें क्या करना है, महत्वपूर्ण हम यह है कि हमें यह क्यों करना है। क्या यह सही दिशा है लोगों के लिए, अपने लिए और सभी के लिए लाभप्रद है? हमें क्या करना है से अधिक महत्वपूर्ण है हमें क्यों करना है। तर्क की जगह संदेहवादी पद्धति की जगह एक आस्थावादी जीवन बेहतर होता है। हमारी ईगो नए नए तर्क देती है, ईगो गलत कार्य के लिए नए नए तर्क देती है, इसे तर्क पे ज्यादा विश्वास न रख के अपनी आस्था पे विश्वास रखें। आस्थावादी जीवन संदेहवादी जीवन से बेहतर होता है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हम इंटरेक्ट करते हैं, हम अकेले नहीं सकते, हमें समाज रखना है, इसलिए हमें सभी की सुननी है, कहनी कम है सुननी ज्यादा है। हमें भागना नहीं जागना है, हमें समस्याओं से भागना नहीं है, इसी दुनिया में रहकर सामना करना है, जागना है, भागना नहीं जागना है। नो रिएक्शन बेहतरीन समाधान है जीवन का। एक चुप सौ सुन, एक चुप सौ सुन, नो रिएक्शन। नमस्कार, मैं हूं अलका त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी। पिछली कड़ी में हमने आपको मिलवाया था वरिष्ठ साहित्यकार अरुण कुकसाल जी से, और आज हमारे साथ हैं वो लेखक जिनकी किताबें लाइफ मैनेजमेंट कैसे करना है ये सिखाने में काफी मदद करती हैं। हमारे साथ हैं मनोज कुमार श्रीवास्तव जी। आपको बता दूं कि मनोज कुमार श्रीवास्तव जी सूचना विभाग में उपनिदेशक हैं और साथ साथ अपनी लेखनी पर भी हाथ आजमाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार, आज आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए आभार आपका। सर, आप पीसीएस ऑफिसर हैं, जॉब में हैं, तो आपने लेखन की शुरुआत कब की और कैसे आप लेखन के लिए जो है नौकरी के बीच में समय निकालते हैं? ऐसा है कि देखा जाए कि सभी को 24 घंटे मिलते हैं, तो हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से लेंगे, लोग कष्ट उनके पास कहाँ समय मिलता है, लगभग वही टेक्निक मतलब हम भी फॉलो करते हैं, अर्थात कि हम योग या आध्यात्म के शक्ति के आधार पर शक्ति अर्जन करते हुए जो काम आपका 6 घंटे का है उसको 2 घंटे में समेटने का प्रयास करते हैं और शक्ति मिलती कर भी लेते हैं। आध्यात्मिक शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमें बिखराव और व्यर्थ से बचाती है, वेस्ट से बचाती है और अपने वर्क पे फोकस करती है। अगर आप ऐसा करते हैं, थॉट मैनेजमेंट हमारा विषय भी लगभग वही है, आध्यात्मिक विषय में जो लिखता हूँ उसका मतलब आत्मिक शक्ति है, मनोबल है, तो इन दोनों के माध्यम से आप वेस्ट थॉट से बचते हैं और समय को बहुत कम समय पे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो आपने अपनी लेखनी की शुरुआत कब की थी, ऑफिसर बनने से पहले या फिर जब पढ़ाई कर रहे थे तब से? ऐसा है कि इसको खैर हमारा सब्जेक्ट भी दर्शन शास्त्र था, सिविल सर्विसेज में मैं दर्शन शास्त्र को रखता था एक, तो फिलॉसफी एक सब्जेक्ट ऐसा है जो वास्तव में आत्मा को, धर्म को, अध्यात्म को अच्छे जानता है, परखता है, जीवन मूल्यों को स्थापित करता है और एक सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो एक तरह से विषय हमारा शुरू से वैसा रहा, लेकिन अब प्रश्न है कि इसको मैं जीवन में उतारना, देखिए कैसा कि सिद्धांतिक रूप से पढ़ना अलग है। तो 2016 में मैं एक ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, योग का संस्थान में वहाँ गया, तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान में जो योगिक विद्या उन्होंने बताया और इनकी लिटरेचर में पढ़ने लगा, जब लिटरेचर पढ़ने लगा तो जो मैं फिलॉसफी में ट्रुथ क्या है और वास्तव में उनका दर्शन क्या है, तो इसे मैच कराया, फिर इंटरेस्ट बढ़ने लगा, स्टडी करने लगा, तो मेडिटेशन करने लगा, योग करने लगा, तो इस प्रकार से हमको एक प्रेरणा मिली कि कुछ लेखन काम किया जाए। तो लेखन काम किया जाए तो उसी क्रम में पहली पुस्तक मेरी मेडिटेशन की नवीन आयाम आई, तो पहली पुस्तक मैंने मेडिटेशन की नवीन आयाम देखी, उसी का अगला एक धारा चल रही है जो अनेक पुस्तकों में बदल रही है। सर, आपकी अभी तक कितनी किताबें आ चुकी हैं, कौन कौन सी हैं और आपको सबसे ज्यादा कौन सी पसंद है? ऐसा कि अगर देखा जाए तो मेरी पहली पुस्तक मेडिटेशन नवीन आयाम आई थी, तो उसको तो मैंने सेल्फ के लिए लिखा था,
मैंने सोचा कि इसको अप्लाइड पोर्शन लाया जाए कि मतलब जीवन में कैसे एप्लीकेशन अप्लाई लाए एप्लीकेशन किया जाए। तो उस क्रम में मेरी फिर आई आप दीप बने कैसे आत्मा को जागृत किया जाए। देन फिर इसके बाद गुस्से का सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम आया एंगर मैनेजमेंट अपने लाइफ का सबसे टफेस्ट एक चैलेंज होता है, उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे अपने उसके दुष्परिणामों से बचा जाए। एंगर मैनेजमेंट जब मैं लिख लिया तो खैर इस बीच में हम स्त्री सशक्तिकरण पे, वुमेन पावर पे, महिला आचल बनता आश्मा फिर लिखा इसको, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है कैसे सकता है उसको लाया। फिर इसके बाद फिर मेरी एक बुक बीच में अपना रोल मॉडल स्वयं बने आया, तो बच्चों पे पेरेंटिंग पे था वो, कैसे पेरेंटिंग। अब एक मेरी नई बुक अभी आई है जिस पे चर्चा हो रही है, आध्यात्मिक चेतना से पाएं खुशी। देखिए आप कुछ भी कर लीजिए, अंतिम जब खुशी नहीं है तो सब व्यर्थ है। और हमारा फोकस भी अल्टीमेट सभी कार्यों का, सभी जीवन का भी एक खुशी ही हैप्पीनेस है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स को एक मैंने मानक बनाया और उसी को मतलब एक लक्ष्य बना के मैं 18 चैप्टर इसको बांटा हूँ, और क्या खुशी है, उसे कैसे पा सकता है, उसी संदर्भ में ये मेरी अभी नई बुक आई है ये। सर, लोग सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, पर्यावरण पर लिखते हैं, आपने ऐसे मुद्दों को चुना जो लोगों को उनकी लाइफ बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो कैसे आपने इन विषयों का चुनाव किया? देखिए ऐसा है कि जो मेरा फोकस है वैल्यू बेस्ड लाइफ की बात है, आप जीवन मूल्यों की बात है। भाई किसी सब्जेक्ट हो सकता है, मान लो मीडिया है तो मीडिया क्या मूल्य होना चाहिए, मान लो कि आप साइंस है साइंस क्या मूल्य, तो जो मूल्य होता है, अच्छा मूल्य दो प्रकार के होते हैं, एक शाश्वत होते हैं, तो मूल्य तो हो सकता है आपका मूल्य है आप मेरा वैल्यू ये है, तो शाश्वत मूल्यों की बात करते हैं। अच्छा शाश्वत मूल्य आध्यात्मिक होते हैं, पवित्रता है, सुख है, शांति है, पवित्रता आनंद है, ये सब। अच्छा एक मान लो कि दयालुता है आपकी, तो कहने का मतलब आप ये सब आत्मिक वैल्यूज हैं, मतलब आत्मा से निकलते हैं। तो आध्यात्मिकता हमारा सब्जेक्ट है, तो आध्यात्मिकता को डिफाइन करते हुए वैल्यू बेस्ड लाइफ को कैसे जिया जाए, और ये मूल्य हर सब्जेक्ट में अंततः सहायक होंगे, वही लक्ष्य हैं। देखिए मूल्य एक आदर्शात्मक होते हैं, व्यवहार होता है, व्यवहार को सही दिशा में मूल्य आदर्श ही एक गाइडलाइन का प्रयोग करते हैं। तो हम फोकस वही रखते हैं कि एक वैल्यू बेस्ड लाइफ कैसे जिया जाए, तो उसी संदर्भ में मेरा सब्जेक्ट इस रूप में मैं अध्यापक चुना हूँ, और अध्यापिका एक वैल्यू बेस्ड लाइफ में लाने में मदद करती है, इस संदर्भ में लेखन कार्य कर रहा हूँ। सर, आपकी ये किताब आई है अभी आध्यात्मिक चेतना से पाएं खुशी, इसमें आपने IQ, EQ और SQ पे बात की है, तो IQ EQ तो लोग जानते भी हैं, लेकिन ये SQ क्या है? ऐसा है कि अभी तक माना जाता था जीवन में सफलता के लिए IQ जरूरी है, मतलब कि जो सामान्य बुद्धि तार्किक बुद्धि है वो जरूरी है, तो लेकिन डेनियल गोलमैन ने 95 में EQ कांसेप्ट लाया, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक बुद्धि। अच्छा तो देखा गया कि अब जो है देखा जा रहा है कि भावनात्मक बुद्धि से भी मतलब इमोशनल कोशेंट से भी काम नहीं चल रहा है, तो स्पिरिचुअल कोशेंट आध्यात्मिक बुद्धि को कहेंगे। तो अगर आध्यात्मिक बुद्धि ने तो जीवन में संतुष्टि आप नहीं प्राप्त कर सकते, मतलब परीक्षा में अंक तो आपको दिला देगा IQ, लेकिन परीक्षा में अंक देना पर्याप्त नहीं है, जब जीवन में आओगे तो बहुत से संबंधों को निभाना पड़ता है जिसमें भावना की जरूरी होती है, वहाँ इमोशनल क्वेश्चन काम करता है, बट आप संबंध तो निभा ले, लेकिन वास्तविक संतुष्टि आपको नहीं मिल रही है, यार कुछ अधूरा है, हमारा जीवन हम किस लिए जी रहे हैं, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, इसमें स्पिरिचुअल कोशेंट क्या होता है, उस स्पिरिचुअल कोशेंट आपका IQ और EQ में बैलेंस करता है। अब ये देखिएगा कि IQ अति तार्किकता की बात करने लगता है, EQ अति भावनात्मकता की बात करने लगता है, लेकिन जीवन में क्या चाहिए आपको, दोनों बैलेंस चाहिए, मतलब तार्किकता भी चाहिए भावनात्मकता भी चाहिए। तो SQ आपको एक अनंत प्रकार का एक आपका एक बौद्धिक क्षमता है जो भावनात्मक संतुष्टि के साथ तार्किक संतुष्टि देते हुए और जीवन पूर्णतः आपको सफल करता है, पूरा फोकस मेरे बुक में लगभग यही दिया है। सर, ये इस किताब में आपने बात की ये विजन और गोल की,
इससे पहले आपने विजनरी दृष्टि और दूरदृष्टि की भी बात की, तो इसको कैसे कनेक्ट किया? ऐसा कि विजनरी दृष्टि जो है ये सफलता के लिए बहुत जरूरी होती है। अब उदाहरण के लिए कि जो बहुत दूर की सोचता है, दूरदर्शी होता है, दूरदर्शी होना चाहिए सफलता के लिए। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति एक फैक्ट्री खोलना चाहता है, लेकिन उस फैक्ट्री खोलने में 10 साल लगेंगे वह, लेकिन उसका पैसा नहीं है। तो अच्छा वो अपना देख लिया है कि हम क्या क्या करेंगे, कैसे खुल जाएगा, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है कि भाई हमारी इतनी मदद कर दो, तो लेकिन कहता हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब बताता है कि हमारे पास ये प्लान है, और उसका फ्रेंड जो है संतुष्ट हो जाता है, जान जाता है ये व्यक्ति कर ले जाएगा, तो एक तो लीडरशिप क्वालिटी भी तो हो गई हो। तो दूर तक देखता है और वह जो है उसको उस समय पूरा सफलता प्राप्त है, वहां से 10 साल का प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट करके दिखा देता है, ये तो दूरदृष्टि। अच्छा, फिर विजन, विजन इसी को है, दूर तक देखना, विजन विशाल कैनवास में देख रहे हैं। अच्छा गोल, अच्छा गोल जो है आपका बदलता रहता है गोल से, अच्छा गोल से विजन स्थिर रहता है, विजन स्थिर रहता है, विजन वैल्यू वेस्ट होता है, विजन वैल्यू होता है तभी स्थिर रहेगा। देखिए आप सही मार्ग पे चलिएगा, सत्यता पे सत्यनिष्ठ रहिएगा, तभी आप रुके रहिएगा। तो कहने का मतलब विजन जो है बहुत विशाल कैनवास पे होता है, उस विजन को प्राप्त करने के लिए हम छोटे छोटे गोल सेटअप करते हैं और गोल बदल देते हैं कि हमें वहां तक पहुंचना है। आज आप जॉब कर रहे हैं, कल हो सकता है कि हमें बिजनेस करना पड़ जाए, हो सकता है हमें कुछ लेखन करना पड़ जाए, मतलब हमारा वो स्थिर है, हमारा एक वो स्थिर है जो वैल्यू वेस्ड है, मतलब उसमें वैल्यू वेस्ड है, और उसके लिए हमें गोल अपना सेटअप करते हुए बदलते बदलते वहां तक पहुंचना पूरा मार्ग हो गया है। इसी संदर्भ में व्याख्या किया उसका कैसे हो सकता है। सर, आपकी ये किताब काफी चर्चा में भी रही, गुस्से का सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें आपने एंगर मैनेजमेंट पे बात की, तो कैसे आपने इस किताब के जरिए समझाया कि क्रोध क्या है और इस पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं? ऐसा है कि अप्लाइड पोर्शन में देखा जाए कि सबसे बड़ी समस्या गुस्से का है। अच्छा गुस्से का, फिर उसमें मैंने लिखा गुस्से का सॉफ्टवेयर लिखा और ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप मतलब पॉजिटिव देखिएगा, सोचिएगा, एक थॉट मैनेजमेंट करिएगा योग मेडिटेशन का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ठीक हो जाएगा, तो एंगर मैनेजमेंट हो जाएगा। और देन आपने पूछा कि एंगर, तो एंगर में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एंगर वास्तव में कुछ है जिसपे हमने गुस्सा किया, बाद में देखोगे कुछ होता ही नहीं उसमें। होता ये कि एंगर तभी आएगा, हमेशा पास्ट में आएगा, एंगर हमेशा भूतकाल की घटनाओं पर, घटना घट चुकी। उदाहरण के लिए गिलास टूट गया है, गुस्सा आ गया है, घटना तो घट चुकी, अब तो हो चुका, अब तो अपने स्थिति पे नहीं आएगा ना। अच्छा एंगर दो चीज पे आता है, एक तो कोई घटना घट गई है या दूसरे को सुधारने का हम प्रयास करते हैं, हम कह रहे हैं आप ऐसा करो, हमारे अनुसार कर रहा है अथवा नहीं, हमने कहा था ये करो नहीं किया, ये ना करो कर दिया, मूलतः दूसरे को सुधारने का प्रयास या हमारी कही बात को न मानना, यही दुर्घटना होती है। अच्छा मजेदार बात कि दोनों घटना, एक जो पास्ट को बदला नहीं सकते, जो घटना हो चुकी है वो हो चुकी है, अब कुछ नहीं होगा। अच्छा दूसरा जो है, आपको एक बात निश्चित जान लीजिए, हमारा सिर्फ हमारे ऊपर नियंत्रण है, दूसरे के ऊपर कोई नहीं है, चाहे हमारी पत्नी हो, चाहे हमारा बेटा हो, चाहे हमारा कोई हो, सगा संबंधी, कोई नियंत्रण नहीं है, हो सकता नहीं हो सकता है, आपको नियंत्रण है तो सेल्फ पे। अच्छा गुस्से का दुष्चक्र चलता है, एक तो आपने गुस्सा किया, वो तो होना नहीं है भाई, हो सकता नहीं, लेकिन डालिए नहीं होना, तो नहीं होता है तो फिर स्वयं पे गुस्सा आता है, पहले तो दूसरे पे आया, वो आपके कहना तो मानेगा नहीं, तो फिर अपने पे आया, गुस्से का दुष्चक्र चल जाता है। तो एक चक्र चलता है तो ये आपको इतना हानिकारक करता है, घटना जानती है, गुस्से में लोग जो है चाकू चला देते, गोली चला देते हैं, फिर बाद में बहुत पछतावा होता है। ईगो की बात आपने इसमें लिखी कि ईगो और जो गुस्सा है वो कैसे कनेक्टेड? ऐसा कि ईगो का मतलब कि मैं ही सब, अहम ब्रह्मांस में कहता है मैं ही, दुनिया में आप ही आप नहीं होते, अहंकार है, ईगो है। तो ईगो देखा जाए जितने प्रकार की बुराई है उसका इनिशियल पॉइंट ईगो है, मतलब ईगो मतलब दूसरे को न समझना, न जानना, न पहचानना, खाली अपनी चलाना,
भाई आप देखोगे आप ही आप नहीं हो ना, एक बड़े बड़े एक डायलॉग हमको याद आता है, दुनिया में हम ही हम तो हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो देखा जाए कि ईगो अंततः सभी समस्याओं के जीवन का, जितनी बुरा समस्याओं नहीं बुराइयों का, वहीं से लोभ आता है, वहीं से लालच आता है, वहीं से क्रोध आता है, वहीं से जनरेट करता है। तो फिर अहंकार त्यागना का हालांकि आसान नहीं है करने, एक प्रोसेस है, अगर प्रयास करोगे। अब एंगर मान लो, ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं एंगर मैनेजमेंट पे अगर फोकस करते हो तो, हालांकि उसमें हमें याद आ रहा है विजुलाइजेशन टेक्निक मैंने एंगर मैनेजमेंट दिया है, विजुलाइज करिए, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई घटना घट गई तो आप कहते अगर हम ये न, अगर यहाँ खड़े होते वहाँ न खड़ते तो क्रोध बढ़ सकता था। तो एक तरह से इमोशनल बैंक थियरी उसमें डिटेल किया है। तो वहाँ पर जब कभी वो स्थिति पर कंडीशन आएगी तो आपको थॉट कर को यह नहीं हुआ करना चाहिए, तो एक तरह से इमोशनल बैंक थियरी का प्रयोग करते हुए। अच्छा अब मान लो कि दिन भर में 10 बार क्रोध करते हो, आप फोकस करते हो तो 10 बार नहीं 8 बार करोगे, 10 जब 2 बार करना बहुत बड़ी सफलता है आपकी, 2 बचा लिया, और प्रयास करोगे 10 में 5 कर ले जाओगे। 100% तो आदमी नहीं हो सकता, बट एक सुधार तो हो सकता है, और प्रोसेस करोगे निश्चित रूप में फर्क पड़ता है। सर अध्यात्म आपका विषय है, तो गुस्से को और क्रोध को, ईगो को, अहम को जो लोग कहते हैं, तो इसको कैसे अध्यात्म से हम दूर कर सकते हैं? ऐसा कि आप जब देखोगे तो हमारी सभी प्रकार की समस्या जो है विचार थॉट से रिलेटेड है। तो हमने पहला किताब में लिखा था पुस्तक आपकी मेडिटेशन के नवीन आयाम, थॉट मैनेजमेंट की बात करता है मेडिटेशन। तो मतलब वेस्ट था, फालतू थॉट, एक मतलब कि एक कचरा, तो कचरा पूरा दिमाग में भरा रहेगा तो आपको एक गलत डिसीजन देगा, एक क्रोध कराएगा, अहंकार देगा। तो मेडिटेशन एक ऐसा एक समाधान है जो आपको क्रोध से बचाएगा, अहंकार से बचाएगा, आपके एनर्जी फोकस कर देगा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप एनर्जाइज रहोगे, तो गलतियां नहीं करोगे, तो आपका एक हाई टेम्पर बना रहेगा। थॉट मैनेजमेंट की आपने बात की, तो थॉट मैनेजमेंट क्या है? ये थॉट मैनेजमेंट आप देखोगे तो कहा जाता है कि एक दिन में लगभग 60,000 थॉट, 60,000 थॉट जो है आदमी सोचता है। तो जितना अधिक सोचेगा उतना अधिक एनर्जी लॉस होगी, जितना कम सोचेगा उतना कम एनर्जी, उतना आपके एनर्जी लॉस होने से बचेगी, अर्थात एनर्जी बचेगी। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कहते हैं कि 60,000 से ऊपर चला जाता है नर्वस डाउन हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एक अवसाद की स्थिति में चला जाता है, तो आपके नियंत्रण, देखिए एक सीमा तक अवसाद पड़ा रहता है, फिर आपके नियंत्रण से बाहर तो आपका डिप्रेशन उसी कहते हैं कि आप दवा देनी पड़ती है। तो वो नियंत्रण एक सीमा तक कर ले जाता है आदमी, तो उसके तो नर्वस ब्रेकडाउन से फिर नीचे आइए। तो जितना आप वेस्ट से बचिएगा, मेडिटेशन ही आएगा सबका, मतलब थाट को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, फोकस होना। एक अच्छा एक इसमें एक है, अच्छा आप थाट का बता ही देते, इसका एक पॉजिटिव नेगेटिव जनरली दो तरह के थाट होते, एक तीसरा वेस्ट मैंने बोला, वेस्ट नहीं, एक तरह का एलिवेटेड थाट होता है, एलिवेटेड थाट के आध्यात्मिक थाट होता है, जो एक एक यूनिवर्स से आता है, जो गॉड बोलते हैं, गॉड किसी रूप में हो सकता है, मैं नहीं कहता कि इसको मैं मानता हूँ कि, तो वहाँ इन्वर्स से थाट आता है। वो थाट जब आप एलिवेट अपने को एक तरह से डिटैच हो जाते हो सारी समस्या से, तो आपकी एनर्जी केंद्रित होती है उस थाट से, एलिवेटेड थाट जो आध्यात्मिक थाट गॉड का थाट है, वो सुबह का समय होता है, क्योंकि कहते हैं कि ट्रैफिक एकदम खुली रहती है, आप कोई मतलब कि एक फर्स्ट क्लास का आपका वे बना रहता है और कनेक्ट हो जाते हो सुबह, तो सुबह का थाट होता है, तो उसमें बैठते हो तो ईश्वर से जो शक्तियां प्राप्त हो, शक्तियां प्राप्त होती है भी एलिवेटेड थॉट। तो एलिवेटेड थॉट जितना आपका बढ़ेगा, नेगेटिविटी कम होगी, पॉजिटिव बढ़ेगी। अच्छा पॉजिटिव कहते पॉजिटिव सोचिए, एक पॉजिटिव नेगेटिव दूसरे के पूरक। सर आपने किताब लिखी अपना रोल मॉडल स्वयं चुने, तो आपका रोल मॉडल कौन है, पर्सनल लाइफ में भी और लिखने के क्षेत्र में भी? देखिए मेरा मानना है कि किसी आदमी को, मानव को रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए, हर मानव इनकम्प्लीट है। प्रश्न है कंप्लीट कौन है? आप किसी को रोल मॉडल अगर बना लोगे, जिस बुराई तो रहेगी, जिस दिन बुराई देखोगे उस पर फीत आस्था टूट जाएगी आप। तो कहने का मतलब इसीलिए मैंने कहा कि आप रोल मॉडल तो किसी व्यक्ति को ना बना के आप एक सीधे गॉड को बनाओ, अल्टीमेट रियलिटी को बनाओ, अल्टीमेट अथाह शक्ति है उसमें। तो
तो मैं वही उसी फंडे पे चलता हूँ। और रोल मॉडल मेरा गॉड है और एक आदर्श है, आइडियल है, वैल्यू बेस्ड लाइफ है, वो हमको हमेशा प्रेरित करता है और करना भी चाहिए। इसी संदर्भ में मैंने अपना रोल मॉडल लिखा है। तो आपका कोई फेवरेट राइटर? फेवरेट राइटर में अगर देखोगे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। अब उनको कहते हैं जो 8 अक्टूबर का समय देखिए, वो कहते मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, हर आदमी राइट, लेकिन मजबूती का नाम महात्मा गांधी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मजबूती का नाम जो वैल्यू है उसको लोग मजबूरी बोल रहे हैं। यही तो समस्या है कि आज जो एक वैल्यू बेस्ड लाइफ को लोग एक बेवकूफ़ी भरा मार्ग की तरफ जिस आदमी के धन को सब कुछ मान लिए हैं, मूल्य को छोड़ दिए हैं, लेकिन जिसके पास जो धन को सब कुछ मान ले रहा है वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि संबंधों से मिलेगी, वो जड़ है और चेतनता से ही संतुष्टि मिलेगी। स्वयं संतुष्ट रहो, सबको संतुष्ट करो। तो इस संदर्भ में मैं अपना रोल मॉडल में देखिए मैं एक चीज आपको और बताना चाह रहा हूँ, पेरेंटिंग पे मैंने जोर दिया है। पेरेंटिंग जो पेरेंटिंग आज के 20 साल पहले सबसे आसान काम माना जाता था, सबसे टफेस्ट काम हो गया आज। टफेस्ट प्रश्न है कि तो इसमें उत्तर ही है कि सेल्फ पेरेंटिंग से बच्चे की पेरेंटिंग, पहले अपनी पेरेंटिंग, हम ही क्रोध कर रहे हैं, हम ही गुस्सा कर रहे हैं, हम ही पजल डे, उसको क्या बता देंगे, हम ही सिगरेट पी रहे हैं, उसे कदे सिगरेट नहीं पी रहे हो, हम ही गुस्सा हो रहे हैं, कदे गुस्सा ना हो, हम ही ढंग से नहीं अनुशासित, उसे कदे अनुशासित रहो। तो कहने का आज का समय लोगों को सुनना नहीं चाहता, देखना चाहता है रोल मॉडल। हालांकि आप भाई छोटे रूप में देखोगे तो आपको सब देखना चाहता, अच्छा हम उपदेश दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जब करूंगा वही करना ही एक सच्चा उपदेश हो जाएगा, हमको देखना ही। तो अपने पर फोकस रखिए, अपना रोल मॉडल स्वयं बनिए। सर अब सवाल आपकी थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आप जब पढ़ाई में थे तो कैसे थे और अब BCS ऑफिसर हैं तो कैसा आपका जीवन रहा? ऐसा है कि एक तरह से देखा जाए तो मेरी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई बहुत निल रही, मतलब बहुत मीडिया का बैक बेंचर्स माना जाता था किसी तरह से पास होना। संयोग से मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुंचा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ तो इंट्रेंस हुआ तो हो गया था। वहाँ फिलासफी का वहाँ का एक माहौल है, फिलासफी मैं इसे नहीं जोड़ना चाहता, जहाँ मतलब ये कहना चाहता हूँ संगत का बहुत बड़ा असर होता है, आदमी को संगत अच्छी रखनी चाहिए। तो उस संगत अच्छा कहते हैं मतलब कि महान व्यक्तियों का सानिध्य ही व्यक्ति को महान बना देता है। महान व्यक्ति के पास अगर बैठे रहोगे वो आपको कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं बोलेगा, कुछ उनका खाली एक वाइब्रेशन ही महान दे देता है। तो संगत हमारी अच्छी मिली, फर्स्ट वहां से हमको चेंज आया। दूसरा हमने कहा फिलॉसफी हमने पढ़ा, फिलॉसफी वैल्यू बेस्ड लाइफ की तरफ फोकस करता है। वैल्यू बेस्ड लाइफ, जीवन क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, वास्तविक लक्ष्य क्या है, इसको मैं पढ़ा। अब पढ़ना नहीं, पढ़ने के बाद मैंने उतारने का जीवन में प्रयास किया, कर रहा हूँ। और सेल्फ मतलब कि ट्रांसफॉर्म से मतलब दूसरे का ट्रांसफॉर्म में फोकस भी नहीं रहता, मतलब अपना ट्रांसफॉर्म में। और ये किताबें बाय प्रोडक्ट है, देखिए मेरा पर्पज नहीं है ना प्रवचन देना ना उपदेश देना ना दूसरे पढ़ाना है, हम तरह से मैं खुद सुधार कर रहा हूँ, इसका बाय प्रोडक्ट पुस्तकें हैं। आने वाली कुछ नई किताब जो आप लिख रहे हो किस विषय पर आने वाली है? जैसे कि हमने बताया ना कि आध्यात्मिकता को मैं विभिन्न तरीके से एक अप्लाइड पोर्शन पे लिखने का प्रयास करूंगा। उसमें अब देखिए इसे आध्यात्मिक लोग गलत अर्थ जानते हैं, अर्थ जो है संन्यास ले लेते हैं, पार्टी में नहीं जाएंगे, जींस पहनना छोड़ देंगे, इसका अर्थ आध्यात्मिकता नहीं, इंटरनल होती है। आध्यात्मिकता एक वैल्यू बेस्ड होती है, अपने मनोबल अच्छा आत्मा का संबंध मन से है, तो मन की शक्ति कैसे, मनोबल कैसे, आत्मबल कैसे बढ़ाएं, वो आध्यात्मिकता आपको करती है। अच्छा अब देखिए कहते हैं सभी कहते हैं 5 W कहते हैं, वाई टू चेंज, व्हाट टू चेंज, हाउ मच टू चेंज, हाउ टू चेंज, वेयर टू चेंज, व्हेन टू चेंज। अच्छा 5 W है ना, तो ये तो सभी जानते हैं कि ये करने से ये नहीं होगा, ये डॉक्टर भी जानता है कि भाई ये करने से शुगर नहीं, फिर डॉक्टर शुगर है। प्रश्न है कि W4 हो क्या, क्यों, कैसे, ये तो पता है, समस्या है कि उसको लागू करने के लिए विल पावर कहाँ से आएगा। समस्या ये तो सभी पता है, किताब में लिखा है ये तो विल पावर मैंने बताया ना कि मेडिटेशन से आया, अल्टीमेट एक एलिवेटेड थॉट होता है आपका, गॉड का थॉट, विल पावर वहां से आएगी। विल पावर आपकी नहीं है तो कुछ नहीं कर पाइएगा। तो तब एक मनोबल, आप एक अवचेतन, चेतन आपका, एक आध्यात्मिकता, एक वैल्यू बेस्ड लाइफ, टोटल इसी फोकस करते हुए अप्लाइड कैसे लिखा जाए, इसी पे मैं अगली बुक लिखूंगा।
तो मनोज कुमार श्रीवास्तव जी की किताबें आपको न सिर्फ निगेटिविटी से दूर रखने में मदद करती हैं, बल्कि आप अध्यात्म से जुड़कर कैसे अपने व्यक्तित्व में निखार ला सकते हैं इसको समझाने में भी काफी मदद करती हैं। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लगती है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब जल्द ही अगली कड़ी में आपसे मुलाकात होगी, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।